गाइज, ये है विजियो वर्ल्ड ब्रांड की तरफ से आता हुआ एक बजट रेंज एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी, जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया था आज से एक साल पहले 9,999 रुपए का। और उस टाइम के हिसाब से ना ये बहुत ही अमेजिंग स्मार्ट टीवी मिल रहा था, बहुत ही अमेजिंग फंक्शंस इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे थे। इस स्मार्ट टीवी के ऊपर ना मैंने पहला वीडियो दिया था अनबॉक्सिंग इन रिव्यू 27 मई 2022 को। उसके बाद इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो दिए थे आपको, लाइक इसके अंदर आप कैसे अपने मोबाइल फोन को स्क्रीन कास्ट कर सकते हो, कैसे इसे लैपटॉप से कनेक्ट करके एज अ मॉनिटर आप यूज कर सकते हो, कैसे इसके अंदर आप गेम्स खेल सकते हो, कैसे इसे आप और स्मार्ट बना सकते हो, कैसे इंस्टाग्राम चला सकते हो, इसका 6 मंथ रिव्यू भी मैंने दिया था। तो इसके वीडियोस पे ना एक कमेंट आ रहा था आप लोगों का कि भाई क्या एक साल से ये टीवी सही से चल रहा है, क्या इसके अंदर कुछ फॉल्ट आया है, क्या ये अभी भी सही काम कर रहा है। तो प्लीज अगर पॉसिबल हो पाए तो 1 ईयर रिव्यू ला देना। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ विजियो वर्ल्ड ब्रांड की तरफ से आता हुआ VW32 Pro एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी का 1 ईयर रिव्यू। एक साल से इसे यूज कर रहा हूँ, कैसा ये चल रहा है, क्या इसके अंदर कभी फॉल्ट आया, कभी इसे रिपेयर कराना पड़ा, या फिर मुझे कैसा लगा ओवरऑल एक साल यूज करके, ये आज किस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ। गाइज, मेरा नाम है निमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो ना सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ। चलो गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, इससे पहले रिव्यू पे आए, पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के ऊपर। एक साल पहले मैंने इसे अपने पर्सनल यूज के लिए परचेस किया था और अभी भी मेरे घर पे प्राइमरी टीवी यही है, आराम से यूज हो रहा है हर दिन। मैंने अमेज़न से खरीदा था 9,999 रुपए का। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है VW32S, ये मॉडल नंबर मिल जाएगा, जो है इसका स्मार्ट सीरीज टीवी, जिसके अंदर आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस रैम और स्टोरेज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये जो है ये है VW32 Pro सीरीज, इसके अंदर आपको बस रैम एंड स्टोरेज ज्यादा मिलता है, बाकी डिस्प्ले पैनल, स्क्रीन साइज, साउंड सिस्टम, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है। ये एक 32 इंच का स्मार्ट टीवी जो मैंने लिया था, इसका एक 24 इंच का भी आता है, तो अगर आप 24 इंच के लोगे तो वो और भी बहुत कम प्राइस का मिल जाता है। तो मैंने अपने घर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 32 इंच का लेना सही समझा था। तो गाइस, अगर आप 10,000 रुपए के नीचे एक अच्छा स्मार्ट टीवी लेने जाओगे ना, तो आज से एक साल पहले आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। हाँ, अभी के टाइम पे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं बहुत अमेजिंग फीचर्स के साथ, लेकिन एक साल पहले ज्यादा वैरायटीज नहीं था। अगर आपको 32 इंच का एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लेना था ना, तो आपको आसानी से 15,000 रुपए तक पड़ जाते, लेकिन ये आपको 10,000 रुपए के नीचे देखने को मिलता था। एंड ये प्रॉपर एंड्रॉइड सिस्टम के साथ आता है। इस टीवी के अंदर ना गाइस आपको बहुत सारे इनबिल्ट एप्स मिलते हैं, लाइक अमेजोन प्राइम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, इस तरीके की बहुत सारे एप्स आपको इनबिल्ट इसके अंदर देखने को मिलता है प्री इंस्टॉल्ड। तो अगर आप उन एप्स को देखते हो, उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप आसानी से इस पे लॉगिन करके उनको देख सकते हो। इसके अंदर आपको 20 वॉट्स के बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो साउंड आउटपुट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। म्यूजिक सुनो या पिक्चर देखो या वीडियोस देखो, कोई भी चीज देखने में आपको साउंड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ईयरफोन लगाने का पोर्ट दिया गया 3.5 mm के जैक के साथ आता है, डायरेक्टली इसको लैन केबल से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हो, आपको पीछे पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, इसके अंदर आप 2 HDMI केबल कनेक्ट करके यूज कर सकते हो इसे। इसके अंदर आपको RF इन का भी पोर्ट मिलता है, इसके अंदर आपको ऑप्टिकल फाइबर लगाने का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, इसको आप जैसे यूज करना चाहोगे आप आसानी से कर सकते हो। फुल प्लास्टिक बिल्ड बॉडी के साथ आता है, फ्रेम हो गया, पूरा टीवी का बैक साइड हो गया या फिर इसका स्टैंड हो गया, सब कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है। और टीवी के बैक साइड पे आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स बटन मिल जाते हैं, लाइक चैनल आगे पीछे करने का, वॉल्यूम कम ज्यादा करने का, मेन्यू बटन, ऑन एंड ऑफ बटन, इस तरीके से आपको कुछ बटन इसके बैक साइड पे देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्टली आते हैं 1 ईयर यूजेज रिव्यू पर, कि एक साल से यूज कर रहा हूँ तो कैसा ये टीवी, क्या इसके अंदर अच्छा है बुरा है, चलो बताता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है ना कि ये टीवी मैं एक साल से यूज कर रहा हूँ, ये अभी तक परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसके अंदर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, कोई भी फॉल्ट नहीं आया है, ना इसके स्क्रीन से रिलेटेड कोई इशू आया है, ना इसके साउंड पे कोई इशू आया है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा मिल रहा है, वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा देखने को मिल रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छा है। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके यूज करते हो, जैसे मैं इसे एक साल से यूज कर रहा हूं, मैंने घर पे कोई सेटअप बॉक्स नहीं लगा रखा है, तो एक साल से यूज कर रहा हूं, वाईफाई रिलेटेड भी कोई इशू नहीं आया, आराम से फटाफट से कनेक्ट हो जाता है। एक बार बस आप कनेक्ट करो अपने घर के राउटर से या मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट से, और आसानी से कनेक्ट करके इस पे आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इन सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप्स का मजा ले सकती हो। तो एक साल से यूज कर रहा हूं, कोई फॉल्ट नहीं आया, ना मुझे इसे सर्विस कराना पड़ा है, ना इसके अंदर मुझे कोई भी इशू आया है, कुछ भी मुझे अभी तक इसके अंदर दिक्कत नहीं आया हुआ है। दूसरे प्रो पे आते हैं, जिस प्राइस रेंज पे आता है, जब मैंने लिया था तब तो 10,000 रुपए का मैंने लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन अभी ना बहुत लोग सेल पे इसे 7,500 रुपए का ले चुके हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए उन वीडियोस पे कि भाई मुझे तो ये सिर्फ 7,500 का मिल गया अमेजोन के सेल पे कार्ड डिस्काउंट लगा करके। तो आप भी अगर आप लेना चाहोगे ना, तो अब इसका प्राइस थोड़ा डिक्रीज हो चुका है, अभी रेगुलर प्राइस आप देखोगे ना तो 8,500 रुपए के अराउंड इसका प्राइस है। और जब बैंक ऑफर्स ये सब आते हैं ना, तो 10% का और ऑफ होता है, सेल ऑफर अलग आता है, तो आसानी से आपको 7,500 से 8,000 रुपए के अंदर आपको ये VW32 Pro सीरीज
सीरीज का स्मार्ट टीवी मिल जाएगा। स्मार्ट सीरीज लोगे तो आपको तो 7,000-7,500 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। इसके अंदर आपको बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी मिलता है। इसके अंदर आप 4K वीडियोस भी प्ले कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वो चलता है 1080p 60fps पे। कोई भी लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी का आउटपुट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। चलो आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। अब यहां पे आपको दिखाता हूं मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको कितना देखने को मिलता है। तो यहां जैसे आप सेटिंग्स पे चलोगे ना, सेटिंग्स में जा करके आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी पे। यहाँ आप देख सकते हो अभी 1080 पिक्सल्स 60fps पे सेट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। तो आपको कुछ इस तरीके से इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी देखने को मिलता है, जो बहुत ही अमेजिंग है। कम प्राइस रेंज की टीवी पे आप लेने जाओगे ना, तो उसके अंदर आपको पैनल्स पे कॉस्ट कटिंग किया जाता है, आपको वीडियो रेजोल्यूशन उतना मज़ा नहीं आता है, कलरफुल स्क्रीन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आपको पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, वाइब्रेंट स्क्रीन मिल जाता है, बहुत सारे मोड्स मिलते हैं जिसके साथ आप इसके डिस्प्ले को ट्विक कर सकते हो सेटिंग्स को ऊपर नीचे। इस टाइप से आपको इसमें कॉन्टेंट को देखना है। आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, जैसा करना है आपको सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये था इसका वीडियो प्लेबैक। अब मैं आपको यहाँ पे एक साउंड सुनाता हूँ कि इसका ऑडियो प्लेबैक आपको कैसा मिलता है। भाई 10 नंबर पे म्यूजिक चल रहा है और माइक मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है। मैं धीरे धीरे साउंड को बढ़ाते जाता हूँ। इस पे आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं नीचे। तो गाइस इस तरीके से इसके अंदर आपको बहुत ही लाउड आउटपुट देखने को मिलता है, बहुत ही डिसेंट साउंड मिलता है। इसके अंदर आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, इस तरीके से। तो आपको साउंड का मजा अच्छा आएगा, आप गाने सुनना चाहोगे गाने भी सुन सकते हो इस टीवी के अंदर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब आते हैं गाइस थर्ड पॉइंट पर। इस स्मार्ट टीवी के अंदर ना आपको कुछ ऐप स्टोर मिलते हैं जिसके थ्रू जाकर के आप कुछ ऐप्स को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इस टीवी के अंदर ना आपको थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करने का भी फीचर मिलता है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिया था आपको, जिसपे ना 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज थे, काफी अच्छा चल रहा था वो वीडियो, बहुत लोगों को पसंद आ रहा था, बहुत लोग बोर थे कि यार थैंक यू यार, काफी बड़ा प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन वो वीडियो ना अब कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हट चुका है। एंड कॉपीराइट स्ट्राइक आने का रीजन क्या है, ये बिल्कुल बेवकूफ सा रीजन है। जिस ऐप ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है ना, बस उसका यहाँ पे आपको बैनर शो हो रहा था, ना मैंने उसका नाम लिया है, ना मैंने उसके बारे में कुछ ट्रिक बताया, बिल्कुल भी नहीं, अनरिलेटेड है, लेकिन उसने कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया और मेरा वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। अगर आप चाहो कि इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँ, कमेंट जरूर कर देना, मैं किसी वीडियो पे उसके ऊपर डिटेल में बता दूंगा। तो थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा इजी है। आपको वेब ब्राउजर मिलता है ना, यहाँ पे आप वेब ब्राउजर में जाकर के वहां पे किसी भी ऐप का लास्ट में बस APK लिख देना। जैसे आपको फेसबुक इंस्टॉल करना है तो आप बस लिख देना इसके वेब ब्राउजर पे जाकर के फेसबुक APK, जाकर के वो डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसके इंटरनल स्टोरेज पे डाउनलोड हो जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर लेना और फिर आप अपने टीवी के अंदर फेसबुक चला पाओगे। इस तरीके के सारे ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो और वो वर्क करते हैं, जिसके ऊपर वीडियो था बट सैडली अब वीडियो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। इस टीवी को आप टेबल माउंट तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ इसके पीछे स्क्रूज मिलते हैं जिससे आप इसे वॉल माउंट कर सकते हो, और वॉल माउंट इसके साथ आपको फ्री में देखने को मिल जाता है। तो मैंने तो इसे टेबल पे ही रख यूज किया है, वरना आप चाहो तो आप इसको दीवार पे टांग सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं गाइस इस टीवी के बारे में जो मैं बताता जाऊंगा, लेकिन अब आते हैं एक फॉल्ट पे जो मुझे लगा है, मेजर जो इशू लगा है मुझे इसमें। इस स्मार्ट टीवी के अंदर ना आपको वॉइस सर्च का फीचर नहीं मिलता है। जब मैंने इस टीवी को लिया था ना, तब तो 10,000 रुपए के नीचे आपको कोई भी स्मार्ट टीवी ना वॉइस सर्च का फीचर नहीं मिल रहा था, किसी पे भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या है ना, अगर आपका 10,000 का बजट है ना, तो अब ऐसे बहुत सारे टीवीज लॉन्च हो चुके हैं जिसके अंदर ना आपको वॉइस कमांड का फीचर मिलता है। लाइक इसके रिमोट पे आप देख सकते हो इस तरीके का रिमोट आता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे आपको गूगल वॉइस सर्च का फीचर नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जो टीवीज आ रहे हैं उस पर बस आप बटन दबा दो और आप रिमोट पे बोल सकते हो लाइक ओपन टेकमेश यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे आपका टीवी पे ओपन हो जाएगा। लेकिन इस टीवी पे वॉइस सर्च का फीचर नहीं है, इसलिए क्या इश्यू होता है ना, मैं तो यहाँ पे टाइप करके ओपन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा या घर पे ऐसे लोग जिनको ज्यादा जो ज्यादा टेक से भी नहीं है, जिनको टेक से उतना नॉलेज नहीं है, तो उनको क्या होता है ना, उनको मुझे बुलाना पड़ता है कुछ भी चीज़ प्रोग्राम देखने के लिए, वरना वो नहीं देख पाते हैं। हाँ, अगर वो सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करके देख रहे ना, तो बस आसानी से चैनल नंबर 101, 311 जो भी चैनल उनको देखना है, आप चैनल नंबर दबा के यहाँ पे
टीवी को देख सकते हो। लेकिन जब आप इसे इंटरनेट के थ्रू यूज करोगे ना, तो इसके अंदर अगर वॉइस सर्च का फीचर मिलता है ना, तो वो इसे परफेक्ट बना देता। तो आज के टाइम पे ना ये परफेक्ट नहीं रहा। अगर आपको लेना है, स्टिल इसके अंदर अच्छे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छा साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी चाहिए, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वॉइस सर्च वाला टीवी चाहिए, और मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि अभी टीवी लोगे ना तो वॉइस सर्च वाला लेना, क्योंकि यहाँ पे टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लिया। अब YouTube पे भी मैं यहाँ पे वॉइस सर्च वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई माइक्रोफोन नहीं है इसके रिमोट पे ना टीवी पे। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं इस तरीके से सर्च बार पे जाऊंगा और यहाँ पे एक एक बटन को क्लिक करके ओके कर करके यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। कुछ मिस्टेक हो गया तो फिर इरेज करो, फिर टाइप करो, नीचे आके यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करो, तब जा करके सर्च होता है। ये थोड़ा हेक्टिक यहाँ पे इसका प्रोसेस है, जो मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा कभी कभी लगता है कि यार अगर वॉइस कमांड रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। 10,000 के नीचे अभी ऐसे स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं जिसके अंदर आपको वॉइस कमांड मिल रहा है, अच्छे रिव्यूज़ के साथ बिक रहे हैं वो, एंड अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी है। उनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कर लेना। तो अभी आपको एक अच्छा 32 इंच का एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लेना है, LED स्मार्ट टीवी, तो आप VW32 Pro को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको मेन यूज़ रहता है इसको यूज़ करना है एज अ मॉनिटर, तो आप ले सकते हो। अगर आपको इसे सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करके यूज़ करना है तो ले सकते हो। पेन ड्राइव से यूज़ करना है तो ले सकते हो। CCTV का टीवी मॉनिटर बनाना है इसे, तो इसको कनेक्ट कर सकते हो CCTV के थ्रू। तो बहुत सारे इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं एंड बहुत सारे पर्पस आपको ये सॉल्व कर देगा। डेली यूज के लिए आपको टीवी लेना है। आप चाहते हो कि घर पे सब उसे यूज कर पाए, मम्मी पापा जिनको कोई भी दिक्कत ना हो, अगर देखना चाहेंगे रामायण तो बस बोलेंगे ओपन रामायण, तो रामायण खुल जाएगा। ओपन सॉन्ग्स तो सॉन्ग्स खुल जाएगा। तो उसके लिए मैं बोलूंगा वॉइस कमांड वाला एक टीवी ले लेना। ये आपके चॉइस के ऊपर है। मैं सबके लिंक्स डाल दूंगा। VW32 Pro सबसे ऊपर में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। और अगर इसी बजट के अंदर आपको एक वॉइस कमांड वाला टीवी लेना है जिसपे आप वॉइस सर्च कर पाओ, तो उसका लिंक आपको उसके नीचे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ, तो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।